प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा। सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो इस तरह से हम जो 25 वर्ष का समय प्रारंभिक एक चौथाई समय जब हम ज्ञान रूपी ज्ञान के अर्जन में दिए होते, हर चीजों को जानने का प्रयास किए होते, संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म क्या है, जीव आत्मा और परमात्मा रूह नूर और अल्लाह ताला सेल्फ सोल एंड गॉड, ये क्या है, जब इसके यथार्थता को जानने देखने का प्रयास करते तो पता चलता, सच्चाई जानने में आती। ये तो जाने नहीं, और जब हमको वास्तविक जानकारी नहीं मिली तो हमको जब इस ज्ञान के जगह पर अज्ञान की पढ़ाई शिक्षा की पढ़ाई होने लगी, विद्या भी नहीं, फिर हमको उसका जो सच्चा आनंद था, जो उसकी अनुभूति थी, जो उसका बोध था, हम उससे वंचित हो गए। और वंचित हो गए तो हमारी आस्था निष्ठा उसमें ठहर नहीं पाई। नहीं ठहरने का मतलब हुआ कि हम गिरने लगे। गिर करके कहां जाएंगे, शरीर स्तर पर आएंगे। शरीर स्तर पर जब आए तो शरीर संसार पर भागने लगी। क्यों? कि शरीर संसार से आई है परिवार के माध्यम से। आपकी शरीर संसार से आई है परिवार के माध्यम से। आपका जीव परमेश्वर से आया है ईश्वर के माध्यम से। शरीर और जीव दोनों संयुक्त रूप में आप आदमी है। शरीर और जीव दोनों संयुक्त रूप में आप आदमी है। अभी जीव हटा दिया जाए शरीर से तो आप आदमी थोड़ा कहलाएंगे, आप मुर्दा कहलाने लगेंगे, मृतक कहलाने लगेंगे, आप डेड बॉडी कहलाने लगेंगे, आप मैन नहीं कहलाएंगे, पर्सन नहीं कहलाएंगे, डेड बॉडी कहलाने लगेंगे, आप आदमी नहीं कहलाने कहलाएंगे, व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, मुर्दा मृतक कहलाने लगेंगे। जीव है शरीर के साथ, तभी आप आदमी है, तभी आप मनुष्य है, व्यक्ति है, तभी आप मैन है, पर्सन है, ह्यूमन है। अब हम जैसे शरीर को जान रहे, शरीर के माता पिता को जान लिए, शरीर और शरीर के माता पिता के साथ रहते हुए और दोनों की कमियों की पूर्ति के लिए संसार की तरफ बढ़े, एवं जीव को भी जानते, जीव के भी माता पिता ब्रह्म शक्ति है, आप शिव शक्ति है, आप उनके तरफ आते। और जब ब्रह्मी आप हम जीव और ब्रह्म शक्ति जो माता पिता के हैं, इनके बीच में यदि कोई कमी महसूस होती तो आप संसार जो इधर है वैसे आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड़ भगवान की तरफ आप बढ़ते। एक पक्षी जो जीव के लिए शरीर, जीव के लिए शरीर मिली संसार देखने जाने के लिए, आप शरीर के लिए जीव कर दिए और जीव को संसार के कर्म भोग में डाल लिए। नतीजा क्या हुआ कि आप, नतीजा यह हुआ कि आप परमेश्वर ईश्वर तो भूल ही गए, आप अपने अस्तित्व रूप जीवत्व को भी भूल गए, भगवत तत्व तो भूल गया,
ईश्वर तो भूल गया, भगवत तत्व और ईश्वर तो भूल ही गया, आप अपने जीवत्व को भी भूल गए। बस शरीर माता, शरीर पिता, शरीर भाई, शरीर बहन, शरीर बेटा, शरीर बेटी और शरीर के लिए शरीर से जुड़ गए और अपने को भी शरीर मान लिए, घर परिवार शरीर और शरीर की व्यवस्था में लग गए, संसार की तरफ चले गए। संसार दुखाले है, संसार दुख रूप है, शरीर सुख रूप है, जीव आनंद रूप है, आत्मा चिदानंद रूप है और परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। जब आप जिससे जुड़ेंगे वो आपको मिलेगा। आप संसार से जुड़ेंगे, संसार की तरफ दौड़ लगाएंगे, आपको दुख की प्राप्ति चाहे अनचाहे होती रहेगी। आप जब शरीर के क्षेत्र में रन करना शुरू करेंगे, आपको सुख मिलता रहेगा। आप अपने को जीव के रेंज में करके रहना चलना शुरू करेंगे, आनंदित होते रहेंगे। आप अपने को आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रेंज में, नूर सोल स्पिरिट के रेंज में जब अपने को रखेंगे, चिरानंद मिलता रहेगा आपको। और जब आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाढ़ भगवान के रेंज में अपने को रखेंगे, सच्चिदानंद मिलता रहेगा। शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, परम शांति, परम आनंद, मुक्ति, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाढ़ भगवान के बीच ये चार क्षेत्र हो गए। संसार शरीर के बीच, शरीर जीव के बीच, जीव ईश्वर के बीच और ईश्वर परमेश्वर के बीच, इन चारों क्षेत्रों का नाम, रूप, स्थान, परिचय, पहचान, दृष्टि, उपलब्धि सब अलग अलग है। जब आप शरीर को संसार की तरफ ले जाएंगे, हम लोग जो देखते हैं इसको इसी क्लास फोर निम्न वर्ग में समझते हैं शरीर वाले को, जो अपने को संसार और शरीर के बीच में रखा है हम लोग उसको क्लास फोर जैसे देखते हैं। शरीर और जीव के बीच जो अपने को रखा है हम लोग क्लास थ्री जैसे उसको देखते हैं, और जीव और ईश्वर के बीच जो रखा है अपने को उसको क्लास टू, और ईश्वर और परमेश्वर के बीच जो रखा है क्लास वन है। ऐसा ही है मानव में, जो संसारिक व्यवस्था है, जो प्रकृतिस्थ व्यवस्था है, जो ज्ञान में व्यवस्था है, जब सबको कनेक्ट करके एक साथ जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो एक समान ही सब दिखाई देने लगेगा। तो ये प्रथम वर्ग जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, यह आपके पूर्णत्व के लिए था। जो इसमें सफल नहीं हुआ, जो इसमें गिर गया, जो इसमें टिक नहीं सकता था, ठहर नहीं पाता, वो गिर करके गृहस्थ में गया, वो पतित होकर के गृहस्थ में गया। गृहस्थ में जब देखा गया कि गिरेगा ही, ये पतित होगा ही, ये टिक नहीं पाएगा ब्रह्म में, आचरण व्यवहार में, तब उसको जो है यानी संबंध जोड़ दिया गया कि एक साथ जुड़ा रहे और यानी विकृति न फैले, वर्ण संकर न फैले, एक पुरुष को एक स्त्री, एक स्त्री को एक पुरुष की व्यवस्था हुई और उस दोनों एक दूसरे में बस फस करके करें। अब देखिए इसका परिणाम क्या मिल रहा है। गृहस्थ जीवन का परिणाम देखिए कि कितना ही इसका परिणाम से निर्णय ले लीजिए कि यह क्या है। आप 26 से 50 वर्ष का जो पीरियड है, यह वह पीरियड है शरीर का कि आप जो इसमें कमा लेंगे वही आपको आगे के लिए सुलभ रहेगा। उद्देश्य तो होना चाहिए था इसमें भक्ति सेवा के माध्यम से जस कृति अपनाने का, मोक्ष, जीव को मोक्ष और जीवन को सर्वोत्तम जस कृति। चूंकि शरीर सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति है, इनको छुट्टी कर ले ताकि चले जाए, फिर हम लोग इसको चालू करते रहे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की घंटों चलेगा। इस विषय को शाम को फिर इनसे शुरू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, और कुछ लोगों को हम शंका समाधान का मौका दें
क्योंकि शंका समाधान का मौका नहीं देगा तो कुछ लोग ऐसे अपने में फूलते पचकते होंगे कि हमको मौका नहीं मिला, आपने बोलते जा रहे हैं हमको मौका नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी मौका मिलना जरूरी लग रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस टॉपिक को हम शाम को जब आवेंगे तो आप सब याद दिलाएंगे, फिर इसको हम वहीं से ले लेंगे कि गृहस्थ का जीवन का वास्तविक स्थिति क्या है। ये गृहस्थ को ये ऐसा मनोविकृत जीवन है, गिरा हुआ जीवन है, इसकी दुर्गति झेलने के लिए दंडात्मक व्यवस्था है संन्यास। गृहस्थ को दंड देने के लिए व्यवस्था बना था संन्यास, उनके पापों को भुगतने के लिए। अब शाम को जो है इसको डील करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कोई भाई बंधु यदि हमारे बातों में जो कुछ है सुनने को मिला है, कोई गलती दिखाई लगी हो, कोई उसमें गलती मिली हो, कोई भ्रामक कुछ बात लगी हो उस विषय में, अथवा विष्णु राम और कृष्ण के विषय में किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी किसी को हो, उनके भगवत्ता से संबंधित उस विषय में, अथवा कर्म योग अध्यात्म साधना ज्ञान भक्ति सेवा प्रेम, ये जो कुछ भी इस विषय में आप सब जानना जलाना चाहें, जीव ईश्वर परमेश्वर रूह नूर अल्लाह ताला सेल्फ सोल गॉड, आप हिंदू मुस्लिम है तो है नहीं है कि आप अपने लाइन की बातें नहीं कर सकते, आप रूह के विषय में नूर के विषय में अल्लाह ताला के विषय में बात कर सकते हैं। आपको जो प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा तो कुरान शरीफ से किया जाएगा, आप ईसाई है तो बाइबल से होगा, आप जिस समाज के हैं कोशिश किया जाएगा कि आपको आप ही किस समाज से जो है उदाहरण दिया जाए, किसान है तो किसानी से, यदि साहित्यिक है तो साहित्य से ही सही, और वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक तथ्यों से। यह एक खुला मंच है, हम लोगों को दिल खोल करके आना चाहिए, कोई इसमें भय संकोच के लिए स्थान नहीं है, भय संकोच के लिए कोई स्थान नहीं है, प्रेम से हम लोगों को आगे आना चाहिए। यदि कोई भ्रम शंका है तो उसका निवारण करना कराना चाहिए, किसी भाई बंधु को प्रेम से आइए, हाँ प्रेम से आइए, और आप जो है जहां तक संभव हो सके भगवत कृपा विशेष से शंकाओं को मिटाइए, समाधान लीजिए। चंदन राव कंठी जो करते हैं इसको कुछ जानकारी होना चाहिए, हम सब रहे हैं। जब जानकारी हो जाएगी तो क्या पूछेंगे, पूछना तो तभी तक है जब तक जानकारी नहीं है, जब जानकार हो जाएंगे तो पूछना क्या है, पूछना तो तभी तक है जब तक जानकारी नहीं है। किसी हम करते हैं इसको प्रभाव क्या मिलना चाहिए, क्या चीज चंदन जो कंठी जो करते चंदन हाँ कंठी हाँ चंदन कंठी की बात कर रहे हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। चंदन जो है जैसे एक प्रतीक रूप में शीतलता का शांति का प्रतीक है, कंठी धारण करने का मतलब हुआ आदमी जो है एक संग, जैसे जनेऊ का था जो उपनयन संस्कार जिसका हो जाता था, समीपस्थ जो नेत्र तीसरी दृष्टि है ये जिसकी खुल जाती थी, अर्थात ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाता था, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार से युक्त हो जाता था, तो उसको जो है जनेऊ धारण करना पड़ता था ताकि देख करके लोग जान जाए, जनेऊ यानी जनाने वाला, जिसको देखने मात्र से लोग जान जाए कि ब्रह्मचारी है, अर्थात इसका आचरण व्यवहार ब्रह्ममय है, ये ब्रह्म तेज से युक्त है, इसका तीसरा नेत्र खुल चुका है, उपनयन संस्कार इसका हो चुका है, तो इसका प्रतीक जैसे जनेऊ था
कि इससे टकराना नहीं है, इसके साप लग सकते हैं, इसको इसकी अनुकूलता करके आशीर्वाद लेना है ताकि अपने आप को सहायता जीवन में कुछ मिल सके। वैसे कंठी का भी चंदन का ये भी प्रतीक था, टीका जो है एक प्रतीक था ठहरने का। हमको अपने जीव को, अब तो हम कुंडलनी जागरण का क्लास लेते तो उसमें डिटेल्स आता कि जीव जो मूलाधार में रहता है इसको वहां से उठा करके ब्रह्म क्षेत्र में ला करके वहां टिकाना था ईश्वर के साथ। जीव को ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचा करके ईश्वर के साथ टिकाना था, ठहराना था। लोग जो है जो ध्यान साधना से युक्त थे, अध्यात्म से युक्त थे, वो अपने को यानी ठहराने का संकेत लोगों से देने लगे, टीका करने लगे, चंदन का टीका यानी शांति का प्रतीक जो चंदन है, शांति का प्रतीक जो चिदानंद है। शांति शरीर स्तर पर तो होती ही नहीं, जीव स्तर पर भी शांति नहीं होती है। जैसे बताए कि जन संसार स्तर पर दुख, शरीर स्तर पर सुख, जीव स्तर पर आनंद और आत्मा स्तर ब्रह्म स्तर पर जो है चिदानंद यानी शांति और आनंद दोनों संयुक्त रूप में होता है चिदानंद, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म स्तर पर होता है सच्चिदानंद यानी सत्य शांति और आनंद। सत्य जो चेतन से और आनंद से युक्त हो, तो ये शांति और आनंद शांति का स्थान ही आत्मा से संबंधित है। आत्मा के नीचे ईश्वर के नीचे शांति होती ही नहीं, तो इसलिए चंदन का प्रतीक इस टीका का टीका जब करने लगे तो किसका करें, तो शांति का जो प्रतीक चंदन था इसका हम टीका करना शुरू कर दिए। और उसमें केवल टीका ही नहीं, सुगंध भी उसमें था। देव व्यवस्था में सूक्ष्म तन मात्राएं, देवता क्या है सूक्ष्म आकृति से युक्त है, वो सूक्ष्म तन मात्रा ही आहार में लेते हैं। थल तत्व का सूक्ष्म तन मात्रा गंध है, इसलिए फूल पत्ती पौधा अगरबत्ती धूप जलाया जाता है पूजा में कि वो सो है सूक्ष्म तन मात्रा सुगंध उससे निकलेगा, देवी देवता आसानी से ग्रहण कर लेंगे। तो चंदन में सुगंध भी है, चंदन में सुगंध भी है, शांति भी और सुगंध भी दोनों देवता के लिए ग्रहणीय है। एक देवता का प्रतीकात्मक रूप है तो दूसरा देवता का ग्रहण रूप है, जहां रहेंगे प्रतीक और व्यवस्था दोनों रहेगा। तो चंदन दोनों से युक्त था इसलिए चंदन का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो टीका टिकाना था, जीव को टिकाना था। अब जीव टिकाने के बजाय हम ऊपर से टीका भरा करने लगे चंदन के। अब जो है चंदन तो करना था टीका, अब नकल करके कहीं कोई धनुष बनाने लगा तो कोई कुछ त्रिशूल बनाने लगा तो कोई शंकर जी का कुछ बनाने लगा, ये सब तो अब किस तरह से दूसरे तरह कहे तो लगेगा कि कंठी माला का निंदा कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि यह एक दिखावटी पोशाक मात्र है। जैसे नाटक में वेश बदल पहन करके आपने को नहीं अस्तित्व ड्रामा खेला जाता है, वैसे भगवत मार्ग का ये ड्रामा का पोशाक है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब इसको दो तरह का रूप है। कपिल मुनि जब माता देवहूती को उपदेश देने लगे थे तो कहे थे कि जो कोई वो अंशावतारी थे, आत्मा स्तर के थे, ईश्वर स्तर के थे, और आत्मा वाले प्राय आत्मा कोई परमात्मा ईश्वर कोई परमेश्वर घोषित कर देते हैं, परमात्मा परमेश्वर तो उनको पता होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा को नहीं स्वीकार करता है, केवल मूर्ति की पूजा करता है मंदिर में जाकर के, उसका जो है पूजा किस प्रकार का है कि राख में किया हुआ हवन सामग्री अरे हवन सी उसका यज्ञ तो आहुति तो होगी नहीं, वो हवन सामग्री भी व्यर्थ जाएगी। फिर प्रश्न आएगा तब इसको छोड़ दिया जाए, मूर्ति पूजा छोड़ दिया जाए, ये भी कहेगी नहीं छोड़ाना नहीं। तो जब आंखें में हवन है तो क्यों नहीं छोड़ दिया जाए,
करना है, इसलिए करना है कि जब राख में ही हम हवन करते रहेंगे तो कोई जानकार आएगा, जो हवन का जानकार होगा, आहुत करने का जानकार होगा, तो बताएगा कि नहीं नहीं राख में नहीं, ये आग में करें। जब हम करेंगे ही नहीं राख में भी, तो हमको बताने वाला क्या समझ करके बताएगा। जैसे लड़के को पढ़ा रहे हैं, घर में आप कोई काम में गए, लड़का कह दे कि तेज बोल कर पढ़ो, तेज बोल कर पढ़ो, वो पढ़ाना शुरू किया, दो का दो, दो दो ने चार, दो तीन छः, दो चौक नौ, दो पचे ग्यारह, सुनेंगे रे रे दो दो चौक नौ नहीं होता है, नौ नहीं आठ होता है, आठ दो पचे ग्यारह नहीं दस। आप दूरों रहेंगे तो फट से पकड़ लेंगे और बता देंगे उसको। उसी तरह से यह करना है ताकि सही जानकार जो आएगा उसको आपको सही करा लेगा। तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि बाहरी पोशाक मात्र एक जो है, हालांकि इसका नजायज लाभ धर्म के अंदर प्रवेश करने का एक प्रारंभिक रूप है, हालांकि इसका लाभ भी है और विकृति का रूप भी है। दो तरह से संन्यास लिया जाता है, एक तो अंतःकरण को हम शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, नष्ट करते हैं विषयों से, इंद्रियों को रोकते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा जैसे भीतर है जैसा भीतर होगा बाहर हम ऐसा रखेंगे। दूसरा होता है कि हम बाहर से वह रूप अपनावें ताकि हम भीतर को नियंत्रित कर सकें। जैसे हम साधु का पोशाक पहन लिए, कंठी और महात्मा का चोला पहन लिए, तो हम भट्टी में जाएंगे तो लोग भट्टी में शराबी भी होंगे तो हमको धक्का देकर निकाल देंगे, अब तो साधु है कैसे भट्टी में आ गया। हम जब गलत काम करने जाएंगे तो हमको धक्का देकर निकाल, अब तो साधु है कैसे गलत जगह पर आ गया। तो अपने को नियंत्रित रखने का एक साधन मात्र भी था शुरू में, अब तो वो भी कोई रोकने वाला नहीं है। साधु बाबा होंगे तो उनको भट्टी में नहीं जाना पड़ेगा, घर में मंगा ले, आ चाहे भट्टियों में जाए तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, कहेंगे महात्मा जी एक पग ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। एक जमाना था कुछ दिन पहले अभी कि साधुता के रूप में या कोई गलत काम करना चाहे तो अगल बगल का आदमी करने नहीं देता था, रोक देता था। कोई विकृति से अब तो चोर बनोर डाकू लुटेरा सब इसी में जब घुसने लगे, आ घुस घुस करके तो हर समय था ऐसा। जब इसकी बहुत संख्या हो गई, सब जितने आलसी है जितने श्रम चोर है सब इसी पोशाक में घुस गए। जितने आलसी और चोर जो है, श्रम चोर जो है, सब इसी पोशाक में घुस गए कि मेहनत न करना पड़े, राम राम कह करके आहार मिलता चला जाए, मर्यादा भी मिलेगा, साधु बाबा नमस्ते प्रणाम प्रणाम, हाँ बच्चा खुश रहो बच्चा, चिरंजीव हो चिरंजीव हो। अब अर्थ मालूम है कि नहीं, चिरंजीव हो का अर्थ क्या होता है, और वो खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चा प्रणाम करा रहे, यूँ नहीं पता समझ में आ रहा है इसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ेगा। ये जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के हाथ से इसका सजा बन रहा है, परमेश्वर का दो दूत 24 और आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप कुछ सोचेंगे नहीं विकृत बात तब तक वहां रिकॉर्ड हो जाएगा, वहां सुपर कंप्यूटर से भी आगे सुप्रीम कंप्यूटर रखा हुआ है, परमेश्वर का सुप्रीम कंप्यूटर है। आप यहां चिंतन किए नहीं बुराई का तब तक उसका फिगर वहां बन जाएगा, फोटो फोन लगा हुआ है वायरलेस रूप में। तो इस तरह से जो है आप कहीं कोई बुराई गलती करके बच नहीं सकते हैं परमेश्वर से। आप अपने को महसूस कर रहे हैं कि हम कोठरी में अकेले हैं, लेकिन आप अकेले हैं नहीं, दो दूत तो आपके साथ सटा ही है, जुड़ा ही है। एक काम करता है यहां से रिपोर्ट देने का, रिपोर्टिंग का काम करता है, और दूसरा वहां से सप्लाई का काम करता है, उसके अंतर उसी के अनुसार व्यवस्था। तो वो बातें छोड़े विषय पर आवे, तो प्रारंभ में तो यह एक अपने को नियंत्रित करने का साधन था, कंठी टीका पोशाक ये हम जब पहनेंगे करेंगे तो हम समाज में विकृतियों से अपने को नियंत्रित पाएंगे, लोग भी हमको थोड़ा सा कहीं विकृति की तरफ हमारा पैर फिसला भी तो अगल बगल के लोग हमको संभाल लेंगे। अब एक आड़ बन गया सभी आलसी और श्रम चोरों को जीवन जीने के लिए, फिर वही बार बार हम कहना पड़े कि मेहनत न करना पड़े, कुछ कहना न पड़े और भीख भी न मांगना पड़े,
तो इसलिए हम अब साधु का ये सब रूप पोशाक अपना लिए। अब तो बड़ी विकृत स्थिति हो गई है, गृहस्थ है सब, बीवी बच्चा में है सब, आ पूरा विमल साधु का रूप बना लिए है सब। धर्म की मर्यादा क्यों खत्म होती चली गई? गृहस्थों के दिल दिमाग में जो है इससे क्यों भाव खत्म हो गया, उतर गया कि वो परिवार में रह रहा है, स्त्री बच्चा में रह रहा है, वही झूठ फरेब में रह रहा है, आप पोशाक बना रहा है साधु का, महात्मा का। इसमें हम लोग मिलते हैं तो 90% नहीं बल्कि 95% साधु के भेष में गृहस्थ है। वो पोशाक बना लिया है समाज में मर्यादा पाने के लिए, इसका नजायज लाभ लेने के लिए, कचहरी में कोर्ट में थाना पुलिस में उसका लाभ लेने के लिए पोशाक भी दो दो को रखे हैं सब, घर के लिए गांव के लिए कुछ अलग, या गांव से बाहर जाने के लिए वही साधु महात्मा वाला। तो इस तरह से इस समय पोशाक पर हम निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि पोशाक से हमको कोई निंदा घृणा नहीं है, ये नियंत्रण का एक साधन भी है, लेकिन वृत्ति का तो निंदा हम वृत्ति की शिकायत करेंगे ही। यदि पोशाक धारण करते हैं तो उसके मर्यादा का पालन कीजिए, कंठी धारण करते हैं तो उसके नियमों का पालन कीजिए, पोशाक धारण करते हैं चंदन धारण करते हैं तो सात्विकता की मर्यादा का पालन कीजिए, उसके नियम विधान को धारण कीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो पोशाक छोड़ दीजिए, तब पोशाक धारण कीजिए जब इस मर्यादा को अपना लीजिए। अब आपको जब देख रहे हैं कि आप उस संयम को नहीं अपना पाएंगे तो पोशाक की मर्यादा मत खत्म कीजिए। ये तो हमारे समझ से जो है प्रारंभ में एक प्रतीक था, आगे चलकर नियंत्रण का साधन था, अब अपने को छिपने का आड़ है। हमारे समझ में यही है, प्रारंभ में एक प्रतीक था, अपने पहुंच का प्रतीक था, बीच में आकर के अपने नियंत्रण का माध्यम बन गया, और अब जो है अपने कमियों के छिपाने का आड़ बन गया। इसमें जो समझ में आवे, हमारे जानकारी में तो ऐसा ही है। अभी किसी पुजारी जी के पास जाइए, मंदिर में कोई पुजारी जी हैं, आ कहिए कि पुजारी जी इतना पूजा पाठ आदि कष्ट सहने में लगे हैं, क्या फायदा इस पूजा पाठ से, का कभी दर्शन होगा कहा भगवान जी का? पुजारी जी कई कई बहुत वाक्य बोल जाएंगे, है क्यों नहीं होगा, लगे हैं तो कभी न कभी हो ही जाएगा, तो क्या पूजा पाठ भक्ति करेगा तो काहे नहीं मिलेगा, कभी न कभी तो मिल ही सकता है, जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ दो चार वाक्य जरूर बोल जाएंगे। दूसरा कोई मिले उसी पुजारी जी से दो चार दिन बाद यदि मिलिए तो कहे पुजारी जी अरे यार एक महात्मा संत आए हुए हैं, वो भगवान का दर्शन करा रहे हैं, भगवान से मिलने की बात कर रहे हैं, अरे चल चल ऐसा भगवान मिलता है, कौन देखा है भगवान को, झूठ बोलता है, भगवान कहीं मिलता है किसी को, इतना आसान भगवान कहीं किसी को मिलता है, भगवान मिल जाएगा। वही पुजारी जी अभी बोलने लगेंगे, जब आप कहिए कि नहीं मिलता है तो कहेंगे कि मिलता है, प्रहलाद पाए थे, ध्रुव पाला पाए थे, फला पाए थे, फला पाए थे, अभी कहिए कि भगवान मिल रहा है, चलिए ना आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन उद्धार कर लीजिए, है भगवान मिलता है। अरे बहुत बहुत ऋषि महर्षि लोग आए आ कहे कि भाई वो भगवान नहीं मिलता है, इनको भगवान मिल गया, दोनों उदाहरण उनके पास रखा हुआ है, आप हाँ कीजिएगा तो उनके पास नहीं का उदाहरण रखा हुआ है, आप नहीं कीजिएगा तो उनके पास हाँ का उदाहरण रखा हुआ है, सवाल उठता है कि उनसे कहा क्या जाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की परम प्रभु भगवान जी, अभी कुछ पहले आया था कार्यक्रम में, अपना कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो भजन क्या है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु सो का राज बनेगा, पापी ने